तो राधे राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। तो मैं जो है, कल है करवा चौथ फ्रेंड, तो करवा चौथ की हो गई है तैयारी। तो यहाँ पे देखिए, मेहंदी भी मैंने लगा लिया है करवा चौथ की, और अभी एक हाथ में बाकी है लगाना, तो एक हाथ में अभी लगाऊंगी। एक हाथ में मैंने मेहंदी लगा लिया है फ्रेंड, और मेरी साड़ी वगैरह सब बन के आ गई है, और मैंने चूड़ी वगैरह खरीद लिया है, और श्रृंगार का भी जो सामान होता है मैंने सारा खरीद लिया, पूजा पाठ का सामान मैंने सारा खरीद लिया है मार्केट से। बस वीडियो नहीं शूट कर पाई, मैं बता नहीं पाई आप सबको, और मैं अभी दिखा दे रही हूँ आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने ब्लाउज वगैरह सारा बनवा लिया है, कैसे बनवाया, कितना अच्छा लग रहा है, आप सब बताइए मुझे कमेंट में। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मेरे अपने जो हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे जो भी अपने हैं, उनको सबको ढेर सारी करवा चौथ की शुभकामनाएं फ्रेंड। तो करवा माता सबका बनाए रखें, सब खुशहाल रहें, और हर बार करवा ऐसे ही हंसते मुस्कराते आता रहे, और साल का साल का बीत जाए पता ना चले, और ऐसे हंसते हंसाते करवा माता आए, और हंसते हंसते जाएं करवा माता। तो सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, दया बनाए रखें फ्रेंड। तो चलिए फिर देखते हैं वीडियो में कि मैंने क्या क्या लिया है, और क्या क्या आ गया है मेरे यहाँ, और क्या क्या तैयारियाँ बाकी हैं। तो मैं कल जो भी वीडियो बनाऊंगी, जो भी करवा चौथ का है वीडियो, मैं सब आप सबको शाम तक दिखाऊंगी या परसों तक। तो फिर चलिए देखते हैं कि आज मैंने क्या क्या ख़रीदा है, और क्या क्या आया है, और मैंने सुबह उठ के किस तरीके से मैं अपने कृष्णा की पूजा की हूँ और जगाई हूँ फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, मेरे कृष्णा यहाँ पे सो रहे हैं बहुत ही मौज मस्ती से, कितने मस्ती से सो रहे हैं कृष्णा यहाँ। तो मैं अपने कृष्णा को उठा रही हूँ। कृष्णा ए लल्ला उठो, सोना मोना मेरे, सोना मोना उठो मेरे कृष्णा, उठो मेरे लल्ला, उठो मेरे लल्ला, बहुत थक गए हैं। तो देखिए कितने अच्छे से मस्ती से मेरे कृष्णा यहाँ पे सो रहे हैं, और देखिए इनके दर्शन हो जाते हैं सुबह सुबह उठते ही, तो मुझे बहुत ही आनंद आता है, और बहुत ही थके हुए लग रहे हैं मेरे कृष्णा। तो मैं अपने कृष्णा को यहाँ पे उठा रही हूँ, तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं मेरे कृष्णा मेरे लल्ला। तो देखिए मैं इनका काटन का कपड़ा बनाई हूँ, नाइट ड्रेस बिल्कुल सिंपल है, तो मैं इनको यही पहनाती हूँ, और ज़्यादा मोटा नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि जो है का नाम गड़ता है मेरे कृष्णा को सोते समय। तो मैं इनको उठा रही हूँ, उठो लल्ला मेरे सोना, उठो मेरे मोना। ये मेरे कृष्णा उठ के बैठ गए हैं, देखो नींद में इतने हैं कि अभी ढनक रहे हैं। तो जय कृष्ण भगवान की, राधे राधे कृष्णा, उठो। देखो मेरे कृष्णा उठ गए हैं, गुस्से में हैं, देखिए कि मतलब इनको हम नींद से जगा दिए हैं तो कितने गुस्से में हैं। बट कोई बात नहीं, कृष्णा उठो पानी पी लो। ओ, मैंने अपने कृष्णा को जगा दिया है, मेरे कृष्णा देखिए जग गए हैं, थोड़ा थोड़ा इनका मूड देखिए शांत हो रहा है। तो अब इनको नहलाती हूँ, नहलवाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनका पूजा पाठ कर लिया है नहलवा के। तो अभी इनको मनाना पड़ेगा मुझे, ये गुस्सा में है अभी मेरे कृष्णा। तो मेरे कृष्णा लल्ला गुस्सा नहीं करते हैं, उठ जाओ मेरे सोना मोना, आँख खोले हैं देखो गुस्से में। तो अभी इनको मैं मना लूँगी, नहलवा धुला दूँगी। देखिए मेरे कृष्णा इधर नहा वहा के एकदम फिट हो गए हैं, तो इनके लिए मैंने माखन मिश्री का भोग भी लगा लिया है, और लेके आई हूँ उनके लिए। तो देखिए मेरे कृष्णा कैसे लग रहे हैं फ्रेंड। तो मैं अपने कृष्णा को माखन मिश्री का भोग लगा रही हूँ। खाओ कृष्णा, खाओ कृष्णा, खाओ कृष्णा, खाओ। जय कृष्ण भगवान की जय, राधे राधे की जय। तो मेरे कृष्णा कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे कृष्णा नहा धो के फिट हो गए हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना फ्रेंड। तो राधे राधे बोल दो मेरे कृष्णा को सब लोग। तो इस तरीके से मैंने पूजा पाठ कर ली है, हर जगह की पूजा पाठ कर ली है। मेरे गणेश लक्ष्मी हैं जो अगली साल मैंने खरीदा था, इसमें इधर विष्णु भगवान है, साईं महाराज, तो इधर दुर्गा जी बैठी हैं, सभी देवी देवता हैं मेरे यहाँ पे इस तरीके से विराजमान हैं, बैठे हैं।
देखिए इधर मेरी ख़रीदारी हो गई है और मार्केट से मैं आ गई हूँ और मेरी साड़ी वगैरह भी आ गई है, तो मैं आपको जैसे कि साड़ी दिखा रही हूँ, बट पहले मैं अपनी चूड़ियाँ दिखा रही हूँ। कंगन, ये है कंगन बीच में लगाने वाला, और इस तरीके से मैं चूड़ी लेके आई हूँ साड़ी के लिए अपने, और आगे पीछे का कंगन मैं रखी हूँ, तो अभी अंदर रखा है, तो मैं बाहर जब पहनने लगूँगी कल तो निकालूंगी। तो ये फ्रेंड अभी मैं ख़रीद के लेके आई हूँ, जैसा कि ऐसा ही दिखाया मैंने, ऐसा ही ये भी है। तो ये एक साड़ी के लिए मैंने चूड़ियाँ ख़रीद के लाई हूँ, देखिए इस तरीके से। और इधर देखिए मेरा ब्लाउज और साड़ी भी तैयार होके आ गई है फ्रेंड। तो देखिए मैंने ब्लाउज बनवाया है, आप सबको मैं दिखा दूँ कि देखिए ये ब्लाउज मेरा कैसा बना हुआ है। तो ये गला है, तो देखिए मैंने इस तरीके से ब्लाउज बनवाया हुआ है इसका, और आस्तीन ये ऐसी है। तो मैं पहनूंगी तो इसकी वीडियो ज़रूर डालूंगी, आप सबको दिखाऊंगी। तो ये मेरा ब्लाउज भी बन के आ गया फ्रेंड, और ये है मेरी साड़ी जो कि इस समय चल रही है, खूब ये साड़ी तो इसी में की साड़ी है, तो इसमें भी फाल पीको हो गया है फ्रेंड। तो बस करवा चौथ की हो रही है तैयारी, तो लमसम लमसम मेरा सारा तैयारी हो गया है फ्रेंड, और कुछ थोड़ी बहुत तैयारियाँ बची हैं जो अभी कल तक मैं कर लूँगी। तो बस इधर ही तैयारी हो गई है, तो मैंने कहा आप सबको दिखा दूं फ्रेंड। तो करवा चौथ की तैयारी चल रही है, बाटी चोखा। तो बाटी चोखा के लिए देखिए मैंने यहाँ पे टमाटर, बैंगन, आलू को उबाल के थोड़ा सा तेल डाल के, और उसमें मिर्चा वगैरह सब चीज़ डाल के, बस ऐसे ही सिंपल तरीके से मैंने उबाल लिया है इसको। और इधर बना रहे हैं कुकर में बाटी, और इधर बन रही है मेरी बाटी कुकर में। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनने वाली है बाटी मेरी। तो बस इस तरीके से बनाई हूँ बाटी और चोखा, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इनका कलर आया है, और ये अच्छे से पक भी जा रहे हैं, इस कुकर में जलेंगे भी नहीं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इनको बनाया है, 2 चम्मच लमसम छोटे वाले चम्मच से घी डाल दिया है मैंने यहाँ पर कि अच्छे से ये पक जाएं और करारे कुरकुरे हो जाएं। बहुत ही टेस्टी बनेंगी ये बाटी चोखा फ्रेंड, तो खाने के लिए आप लोग भी आ जाइए।